श्वेता स्वराज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज डेंटल ओरल, और हमारे बगल में विशेष अतिथि के रूप में हैं अभिषेक सर, हॉप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं हमारे, और अल्ट्रासाउंड वगैरह सर देखते हैं, और सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो आज एक कार्यक्रम का मकसद है आप सबों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं विशेष अतिथि को हमारे कार्यक्रम के, जिनके कारण आज कार्यक्रम ये हो रहा है। मैं सर से आग्रह करूंगा जो हमारे कार्यक्रम के अतिथि को सम्मान अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे राजेश सर, अभिषेक सर, जतिन जी और मेरे प्यारे बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। तो आप लोग सभी जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे किस पे एकत्रित हुए हैं, किस पे एकत्रित हुए हैं। तो सभी लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों को नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा करने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हानि। आजकल के जमाने में बहुत छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे गार्जियन पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ कि वो लोग बोलते नशा करते हैं। मैं तो डेंटल डॉक्टर हूँ, दांत की डॉक्टर हूँ, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मैं पूछती हूँ कि दांत कैसे गंदा हो गया, बोले मैम दांत साफ करवाना है, ये लास्ट चांस है। अरे मतलब 19-20 साल के बच्चे लोग आते हैं, बोलते मैम दांत साफ करती हूँ, बोले इतना गुस्सा वगैरह से गंदा कैसे हो गया तुम्हारा, मैम इस बार कर दीजिए, घर में इतने सारे लोग बोल रहे हैं के बाद नहीं खाएंगे। फिर एक महीना के बाद वही बच्चे आते हैं और बोलते हैं फिर से दांत साफ करवाया। तो मैं पूछती हूँ कि क्या हो गया, क्यों उसने दांत लोग बार बार ऐसा क्यों कर रहे। बोलता है कि मैम क्या होता है, दांत को हम लोगों को नशा करने का एक आदत हो गया है, हम लोगों को लगता है कि नशा नहीं करेंगे मतलब डिप्रेशन जैसा फील होता है। वो लोग बताते हैं कि नशा नहीं करते तो हम लोग को डिप्रेशन लगता है, हम लोग को टेंशन लगने लगता है, और नशा करते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है, उसके बाद हमको लगता है कि नहीं चलो नशा कर ले। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग अभी थोड़ा सा डिप्रेशन से दूर जा रहे हैं, अगर वो हमेशा इस चीज को यूज करेंगे तो लाइफ फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। और मैं डेंटल डॉक्टर हूँ तो मैं ओरल को तो हमेशा चेकअप करती हूँ, तो देखती हूँ कि नशा करने से, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले तो खैनी खाने से हमारे मुंह में कैंसर होता है। स्टार्टिंग में अगर खैनी खाएंगे तो मुंह में व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, वो व्हाइट पैचेस ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो ल्यूकोप्लेकिया प्री मेलिग्नेंस रीजन है, वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज। उसके बाद अगर सुपारी पान खाते हैं, पान खाने में सुपारी रहता है, सुपारी खाने रेगानट्स जो होता है वो ऑयस्टर का कारण बनता है, उससे हमारा मुंह का जबड़ा जो होता है ना कम खुलता है। बहुत सारे आते हैं जिनका मुंह कम खुल रहा है वो सुपारी गुटखा खाने की वजह से ही होता है। स्मोकिंग सिगरेट पीने से क्या होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होता है, ये बच्चे लोग तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये सब प्रॉब्लम होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और आजकल के जनरेशन में आप लोग मतलब टीवी वगैरह में एड भी देखते होंगे, तो देखते हो कि शाहरुख खान और बहुत सारे एक्ट्रेस को ये सब का प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रचार करे तो दिन भर वो लोग ये सब चीज को यूज करें, वो लोगों का काम है ये इस चीज को एड देगा, बस वो लोग इस चीज के लिए पैसे मिलते हैं, बस पैसे के लिए वो लोग एड देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि देखो शाहरुख खान यूज कर रहा, अभी देखे हर्बल लाइफ में भी बहुत लोग देख रहे हैं कि हर्बल लाइफ वो यूज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर्बल लाइफ का वो प्रचार कर रहा है या किसी चीज का वो चीज को यूज कर रहा है, नहीं एड के लिए बस करता है। तो मैं आप लोग बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग का लाइफ का फर्स्ट स्टेप आप लोग पास किए, मतलब टेंथ पास किए, 11 करना 12 करना, बहुत सारे बच्चे लोग का ड्रीम हुआ कि हमको डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर, और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत कुछ ड्रीम होगा। तो अभी से आप लोगों को मेहनत करना है, अपने लाइफ में फोकस, अपने करियर को फोकस करना है, ये सब चीज करेंगे ना तो आप लोगों का फ्यूचर भी खराब होगा, आपके आप लोग लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नशा करने के बाद लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग आप शपथ लें कि अगर हम लोग को नशा नहीं करना है, और हमारी फैमिली अपने फैमिली में भी जाना है, अपने पेरेंट्स माता पिता और भी गार्जियन हो जितने को, सबको बोलना है कि नहीं नशा नहीं करना, और आसपास कोई भी लोग देखे नशा करते हुए तो उन लोगों को रोकना है कि नहीं नशा नहीं करना, नशा शरीर के लिए हानिकारक है, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। ओके इतना ही करके मैं अपने वक्त को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। राजेश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों को इस तरह का कार्यक्रम से